नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिनोमियल से। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा, राइट? क्वेश्चन क्या है इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा। इसके सॉल्यूशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं होना चाहिए आपके लिए। आप इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, या मेरी वेबसाइट पर जाकर आप सैम्पल पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। ये वेबसाइट अवेलेबल है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपने देखा क्वेश्चन में ये फिगर था, ठीक है। पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि ये शेप क्या है, ठीक है। नेम ऑफ द शेप इन विच द वायर इज बेंड। इस शेप का क्या नाम है स्टूडेंट? इस तरह की जो शेप बनती हैं उन्हें बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये जो शेप होती है हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले जो पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा? पैराबोला। ये पैराबोलिक शेप होती हैं। अब पैराबोलिक शेप किस तरह की होती है और समझ लें। पैराबोलिक शेप स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू बनेगा आपके लिए, ठीक है। आपका यू जो बनेगा वो इस तरह का हो सकता है, या ये थोड़ा सा रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है। ये शेप भी पैराबोलिक होंगी, ये शेप भी पैराबोलिक होंगी। और ध्यान रखिएगा, कई बार शेप यदि इस तरह की आ जाती है तो ये भी पैराबोलिक होगी, है ना। या कोई शेप इस तरह की आती है वो भी क्या होंगी? पैराबोलिक होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके पास चार तरह की शेप बन सकती हैं। नंबर एक क्या हो सकता है? पैराबोला ऐसे क्रिएट हो सकता है, यहाँ से क्रिएट ऐसे हो सकता है, या वो इस तरह से हो सकता है क्रिएट, ठीक है ना, या वो इस तरह का बन सकता है। वैसे इस तरह के बनने की संभावना नहीं होंगी, जितने बनेंगे आपके पास इस तरह के या इस तरह के पैराबोलिक कर्व्स क्रिएट होंगे। बस में आ गई। और इस तरह की कर्व जो बनेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? पैराबोला कर्व। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है आपसे? दूसरा पार्ट कह रहा है कि हाउ मेनी जीरो आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज कितने? जीरोज तो हमने निकाले थे। क्या होता था जीरोज का मतलब? जीरोज का मतलब था ये जो कर्व स्केच कर रहा है हमने, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है, एक्स अक्ष को जितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है वो क्या माने जाते थे? जीरोज माने जाते थे। बहुत अच्छा। तो इसके जीरोज क्या होंगे? देखिए, ये एक्स अक्ष यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसके टू जीरोज होंगे। इसका दूसरा जो पार्ट आएगा क्या कहोगे आप? इसके टू जीरोज। और टू जीरोज आपसे कहा जाए क्या होगा? एक होगा माइनस वन और एक क्या होगा? थ्री। जहाँ पर ये एक्स जो कट या टच करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, उसमें एक्स की क्या वैल्यू है? दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पर जीरोज कितना होगा? माइनस वन, और कितना आएगा? थ्री आएगा, है ना। अब उसके बाद उसने ये कहा है कि जीरोज कितने होंगे। अच्छा, जीरोज कौन से होंगे? इसका थर्ड पार्ट था ये जो आंसर है, एक्चुअली ये थर्ड पार्ट पर आएगा। इसका थर्ड केस था, इसके जीरोज क्या होंगे? तो इसके जीरोज पूछा जाए आप कह सकते हो इसके जीरो जो हैं माइनस वन और कितने होंगे? थ्री होंगे। ये इसका थर्ड केस का आंसर था। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपके केस हिस्ट्री में फाइव क्वेश्चंस दे रखे होंगे, फाइव पार्ट दे रखे होंगे, उनमें से आपको फोर पार्ट सॉल्व करने, कोई भी फोर पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, और एक को छोड़ सकते हो, राइट। अब आप कहोगे सर फाइव पार्ट्स कर दें तो क्या प्रॉब्लम है? कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनमें से एक को काट देगा वो। यदि आपको पाँचों पार्ट बहुत अच्छी तरह आते हैं तो आंसर लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि व्हाट विल द एक्सपेंशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वास्तव में इस पॉलिनोमियल है क्या, ये जिसका ये ग्राफ है वो पॉलिनोमियल क्या है, ये बताना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके जो आंसर दे रखे हैं वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सा आंसर होगा सही होगा। आपको यहाँ पर आंसर जो दे रखे हैं इस फोर्थ पार्ट के, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ये पॉलिनोमियल होगा क्या? या उसने कहा है दूसरा पार्ट में कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री होगा क्या, या उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस थ्री होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री होगा। ये आपके पास वन पहला ए था इसका आंसर, ठीक है ना। ये ए है, ये इसका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। अब आपसे कहा जाए कि ये पॉलिनोमियल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, या ये पॉलिनोमियल क्या होगा, सॉरी
जिसका ये ग्राफ है वो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपको पॉलिनोमियल बनाना मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि इनमें से करेक्ट कौन सा हुआ। तो एक्चुअली क्या है कि आपने देखा है इसके जीरोज ये हैं, जीरोज क्या है माइनस वन और थ्री है, तो जीरोज हमेशा पॉलिनोमियल को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते, मतलब उनको पुट करने पर आंसर जीरो आता है। इनको यदि हम पुट कर दें माइनस वन को इसके अंदर पुट कर दें तो जीरो आंसर आएगा, थ्री पुट कर दें तो भी आंसर कितना आएगा जीरो आएगा। तो आप जरा पुट करके देख लें कि कौन सा पॉलिनोमियल इन जीरोज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, किसको पुट करने पर जीरो आंसर आता है। यदि मैं माइनस वन इसके अंदर पुट करता हूँ तो क्या आएगा माइनस वन का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर माइनस पुट करूँगा तो माइनस टू आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस थ्री आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, ये वन माइनस फाइव, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है सर। यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ सॉरी प्लस का था, ये प्लस का था तो ये आ जाएगा, प्लस का आएगा तो ये भी प्लस का वन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वन प्लस टू माइनस थ्री, कहने का सेंस है कि ये जो है इस माइनस वन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का माइनस वन पुट करने पर इसमें जीरो आ रहा है, ठीक है। अब जरा थ्री पुट करके इसके अंदर देखें तो कितना हो जाएगा, नाइन आ जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा भाई, यहाँ पर नाइन आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस थ्री हो जाएगा। इसका मतलब है ये माइनस थ्री इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल का ये जीरो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दोनों जीरोज पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखें आप इसको अंदर इसके पुट करेंगे इसमें तो कितना आएगा, इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का वन है ना, माइनस का टू आएगा, प्लस का थ्री आएगा, ठीक है। माइनस वन इसको क्या करेगा, सॉरी प्लस का वन, ये नहीं आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। अब जरा इसमें आ जाइए, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा प्लस टू आएगा, प्लस का टू हो जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा और ये माइनस का थ्री हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस का टू आ जाएगा प्लस, और ये आपके पास माइनस थ्री रहेगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा जीरो, इसका मतलब है ये जीरो इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है, ठीक। अब दूसरी बात क्या आएगी, अब इसमें थ्री पुट करें तो यहाँ पर कितना आएगा, नाइन आएगा, माइनस का कितना आएगा सिक्स आएगा, और ये माइनस का थ्री आएगा। यहाँ ध्यान रखिए नाइन आएगा या माइनस का सिक्स आएगा, माइनस का थ्री आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब ये थ्री भी इसका जीरो हो जाए और माइनस वन भी इसका जीरो हो जाए, तो कौन सा आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। तो आपको जो जीरोज हैं वो पॉलिनोमियल को हमेशा क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि बताओ ये पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। यदि आपको ये आंसर न दे रखे हों और आपसे पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा जाए तो थोड़ा मुश्किल काम है। ये बात 11th क्लास के अंदर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको कि जब इस तरह का फिगर हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो जीरोज दे रखे हैं उनको इस पर पुट करके देखना होगा कि कौन सी पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कहने का मतलब है किस में पुट करने पर आंसर जीरो आ रहा है। जीरोज का मतलब यही तो होता है कि भाई इसमें इसको इसके अंदर पुट करें, किस में पुट करने पर जीरो आएगा, वो जीरोज माना जाएगा, ठीक है। बस में आ गई, इस तरह के क्वेश्चंस करके आओगे। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इसमें सही आ रहा है या इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ एक्स बराबर माइनस वन। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी जब एक्स बराबर माइनस वन है। तो आपका पॉलिनोमियल बना क्या, आपको पॉलिनोमियल ये बना पी एक्स, ठीक है ना। तो इसका फिफ्थ पार्ट जो आ जाएगा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री रहेगा। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन और इसका सॉरी फोर्थ पार्ट और इसका फिफ्थ पार्ट एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहा है। ये फोर्थ का आंसर पता नहीं होगा तो फिफ्थ का आंसर नहीं पता पड़ रहा है, पता लगेगा हमें, है ना। तो इस बात पर डिपेंड हो रहा है ये चीज़। वो कह रहा है कि एक्स बराबर माइनस वन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पी बराबर माइनस वन पुट कर दो। वैसे माइनस वन यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस वन पुट करने पर माइनस वन इसका जीरो है तो पॉलिनोमियल पुट करने पर आंसर जीरो आएगा, सीधी सी बात है। तो आप कह सकते हो कि माइनस वन का होल स्क्वायर टू माइनस वन और माइनस थ्री, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये माइनस का टू प्लस का टू हो जाएगा और ये माइनस का थ्री। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन वो कई बार आपसे यही पूछ सकता था, जरा बताइए कि x बराबर टू पुट करने पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तो आंसर जीरो आएगा,
यहाँ तो आंसर किसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन वापसी ये भी तो पूछ सकता था कि x बराबर टू पुट करने पर क्या आंसर आएगा। यहाँ पर टू इसका जीरोज नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा बताइए पी टू क्या आएगा, तो आपको क्या करना था, इसमें टू पुट करेंगे, है ना। टू पुट करने पर जो आंसर आएगा वो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू मानी जाएगी। बात समझ आ गई, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी का विषय नहीं होना चाहिए, आप आराम से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको कराता रहूं। यदि आप बहुत लेटेस्ट सैंपल पेपर देखना चाहते हो जो अभी अपलोड करे जाएंगे, या आप चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ दे रखा है। बहुत कुछ क्या, मैं सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ पर बिना किसी टीचर की हेल्प के बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ का सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनका भी भला हो सके, आपका भला नहीं, उनका भी भला हो सके, राइट। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।